होगा। एलोवेरा से स्टार्ट करते हैं इस ग्लो सीरम को बनाना, जो कि इंतहाई आसान है, बाकी बातें दरमियान में हम करेंगे। तो बहुत ही गौर से और ध्यान से इस ग्लो सीरम को बनाने का तरीका देखिएगा और इंग्रेडिएंट्स को भी, क्योंकि शायद नेट नहीं हो इन दिनों में, तो आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, लिहाजा वीडियो को बहुत तवज्जो से देखें। एक टीस्पून मैंने एलोवेरा जेल का लिया है, इसमें जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है खालस चांदी के वरक, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। इसमें चांदी के वरक होते हैं छोटे छोटे, जो आपको दिखा भी देते हैं, ये आपको पंसार से बहुत ही आसानी से चांदी के वरक के नाम से मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा भी कॉस्टली नहीं है। तो ये हमने एक चांदी का वरक इसमें ऐड करना है। जब तक मैं इसकी पैकिंग वगैरह खोलती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत एहतियात के साथ आपने इसको इसमें मिक्स करना है, ये गिर गया तो फिर आप इसको दोबारा से इकट्ठा करके उठा नहीं सकते हैं, बहुत एहतियात से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, इन पेजेस के अंदर ये थोड़ा सा चांदी का वर्क है, इसको आपने एलोवेरा के अंदर शामिल करना है, लास्ट में शामिल नहीं करेंगे, इस तरह से इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत ही हल्के हैं ये, बहुत तवज्जो के साथ आपने इनको इसमें मिक्स कर देना है, दैट्स इट। अब ये दो चीजों को बहुत अच्छी पे इसका रिजल्ट देख लें। नेक्स्ट इसमें हम ग्लिसरीन शामिल करेंगे, आधा टीस्पून आपने ग्लिसरीन इसमें शामिल करनी है। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको मैं इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई चुकी हूं, तो मैं इसको लाजमी इस्तेमाल करती हूँ और आप भी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें। हाफ टी स्पून हम इसमें मिलाएंगे ग्लिसरीन, अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ में आप लोगों को रिमाइंड करवाती चलूं कि जो दोस्त पहली दफा मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो खत्म होते ही आप लोग इसको भूल नहीं जाए। यहाँ पे अपलोड होने वाली ऐसी जबरदस्त और इंस्टेंट रिजल्ट वाली रेमेडीज को इंजॉय कर सके। हैक्सलैंड के जो चैनल का लिंक मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, उसे आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पंपकिन ऑयल, यानी कद्दू का तेल, ये भी आपको पंसार से आसानी के साथ मिल जाएगा। इससे ये होगा कि आपके चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग धब्बे, इवन एक्नी मार्क्स हैं या पिंपल्स वगैरह के स्कार्स हैं, वो भी इससे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम इस ग्लो सीरम में ही सारी क्वालिटीज रखना चाहते हैं, जिससे किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो वो इसी ग्लो सीरम से जो है वो कवर हो जाए। ठीक हो गया, अब इसमें हम आधा टीस्पून जो है वो कद्दू का तेल मिलाएंगे, ये भी आपको पंसार से या किसी भी जनरल स्टोर से आसानी के साथ मार्ट पे मिल जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे हम इसमें बाकी चीजें ऐड कर रहे हैं, ग्लो सीरम बहुत प्यारा सा इसमें ग्लो भी आ रहा है, ये मिक्स भी आसानी से हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज ये है, ऑयली स्किन वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम मिलाएंगे नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ये भी हमने हाफ टी स्पून लेना है। इसको ऑयली स्किन वाले बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अब मौसम बदल गया है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप इसको हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट है, बॉयज भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला दो दिन में इसके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। ठीक हो गया, अब इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया हमने, और सबसे लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे जो कि बहुत ही स्ट्रांग इंग्रेडिएंट है हमारा, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, हाफ टी स्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल मिलाएंगे। ठीक हो गया, अब तमाम चीजों को मिलाने के बाद जो ऑप्शनल चीज है वो है विटामिन ई का कैप्सूल या विटामिन ए का कैप्सूल, वो ऑप्शनल है, आप ना भी इसको शामिल करना चाहे तो ना करें, इससे आपके ग्लो सीरम पे मतलब नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसमें डाल लेंगे तो फायदा होगा, ना डालेंगे तो रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि बहुत ज्यादा चिपचिप नहीं हो, तो इस ग्लो सीरम के लगाने के आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद ही आपकी स्किन पर आप देखेंगे किसी भी किस्म का ऑयल या चिपचिपापन नहीं होगा।
एंड दैट्स इट। आपका ये ग्लो सीरम बनके तैयार है, ये बहुत स्ट्रांग है। आप देखिएगा कि सिर्फ एक दो इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ग्लिसरीन और चांदी की राख शामिल किए हैं, इससे आपकी स्किन पर बहुत तरह ग्लो आएगा और ये ऐसा ग्लो सीरम है जो आपकी स्किन के हर तरह के प्रॉब्लम को कवर करेगा। इसमें हमने जो भी चीजें शामिल की है उससे आपकी, इसको अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं, आपके अंडर आईज जो हल्के पड़ जाते हैं, तो आंखों के करीब भी लगाएं तो आप पूरे चेहरे पर आसानी से लगाएं, आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। ठीक हो गया। अब आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता देते हैं। आपने इसको थोड़ा सा ग्लो सीरम लेके अप्लाई करना है रात के टाइम, बिल्कुल इतना सा अपने चेहरे पर लगाएं और इसको आपने इस तरह से मसाज करना है। हल्के हाथ से मसाज करें, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है आपने, इससे चिपचिपापन नहीं होगा। तकरीबन एक मिनट का मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ दें। यहां मैं आपको 3 घंटे छोड़ देने के बाद रिजल्ट इसका दिखाऊंगी, सिर्फ आप लोग को शो करने के लिए मैं इसको 3 घंटे लगा के रखा है और 3 घंटे के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इस दौरान में आपने वॉश नहीं करना, आपको टिश्यू वगैरह से साफ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं है हाथ के ऊपर और 3 घंटे के बाद का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको ऑल नाइट लगा रहने देंगे तो आपको इससे भी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच